हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो लास्ट टाइम हमने लास्ट टू लास्ट टाइम हमने देखा था व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और हाउ इट फंक्शन, कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है फंक्शन करता है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने देखा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो ऐसा सेल जिसके अंदर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो हमने देख चुका है। लेट्स स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, राइट। लास्ट ईयर इसके अंदर हम लोग को सब टॉपिक भी था, इसके अंदर डैनियल सेल, डैनियल सेल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस टाइम पे, बट इस साल चैप्टर में बुक में दिया नहीं है डैनियल सेल। तो अगर बाय चांस अगर डायनल सेल आता है तो हम लोग यही रिएक्शन लिखेंगे, यही जो है हमारा क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल जो है बनाएंगे और उनको दिखाएंगे, मतलब यही गैल्वेनिक सेल जो है शो करके एक्सप्लेन करेंगे, राइट। गैल्वेनिक सेल के सारे पॉइंट लिख के आंसर करके आएंगे किसमें डायनल सेल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल होता क्या है, तो गैल्वेनिक सेल हम लोग देखेंगे तो इट इज़ अ सेल इन विच वॉट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, मतलब ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कैसे, बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, अपने आप होने वाली केमिकल रिएक्शन, इसको उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी, और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी निकलेगी, और वो केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एज ए इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस सेल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो इट इज सेल इन विच व्हाट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या बाय यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, समझा ना। कंस्ट्रक्शन अगर समझना है तो मुझे मेरे से बनाना चाहिए डायग्राम, तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर डायग्राम बना के हमने जस्ट बता देता हूँ, ठीक है। आपके सामने मैंने एक सेल बना दिया गैल्वेनिक सेल, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड रहेगा और एक एनोड रहेगा, राइट। उसके बाद ये हमारा क्या है, सॉलिड ब्रिज, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट, समझे। इसका मतलब कैथोड यहाँ पर क्या है, कॉपर का है, जिंक के रूप में, जिंक तो ये जेड एन सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर मैंने कॉपर ले लिया, ये होगा सी यू सपोर्ट और ये गैल्वेनियम मेटल है, यही गैल्वेनियम मेटल। ठीक है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन अगर लिखूंगा तो क्या लिखेंगे आप लोगों को, तो इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट टू हाफ सेल, इसी को एक्सप्लेन करना है।
हम लोग करेंगे कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, जो अलग अलग सेल होती है, एक ए बी का एक सेल है वो बी का एक सेल है, तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टू हाफ सेल, राइट ना, टू हाफ सेल. नाउ हर एक हाफ सेल की बात करें, ईच हाफ सेल इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ईच हाफ सेल इज कंसिस्ट ऑफ अ बीकर कंटेनिंग व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे हम लोग, बीकर, हर एक हाफ सेल में क्या होता है, एक बीकर होता है, बीकर के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो भी मैं लोगों जिसका करना है हम लोग रिएक्शन, तो वो वाला कोई सी यू सबको सबको यूज किया, जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे तो देखेंगे ईच सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ बीकर कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन विच व्हाट अ मेटल स्ट्रिप इज डिप या इमर्ज. अभी दूसरे में बोलेंगे ईच सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ मेटल स्ट्रिप इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन कॉन्सेंट्रेशन, राइट. हमेशा यहाँ पर मेटल क्या करेगा, मेटल स्ट्रिप होगा एक सेल में, और वह मेटल स्ट्रिप क्या करेगा, अपने ओन कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन में क्या करेगा, डिप करेगा. मतलब अगर मैं सी यू का इलेक्ट्रोड लेता हूँ, तो सी यू का इलेक्ट्रोड किस में डिप होगा, सी यू एस ओ फोर में होगा. जेड एन का इलेक्ट्रोड लिया तो जेड एन एस ओ फोर में होगा, राइट. मतलब उसी खुद के सॉल्ट वाले सोल्यूशन में वो डिप होगा. तो सोल्यूशन हमेशा सेम होना चाहिए. क्यों होना चाहिए, हम लोग मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, राइट. अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पूछेंगे तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों होना जरूरी है, राइट. क्या अगर हम लोग इस चैप्टर इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल पहले चैप्टर था, अभी यहाँ पर नहीं है. अभी मेरे डी एन एफ ब्लॉग में वो टॉपिक को डाला गया, डी एन एफ ब्लॉग में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक को. तो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर सी यू एस सेम वाला क्यों रहते हैं, वो उस पर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे ना. सो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें इमर्ज है, इट सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ मेटल स्ट्रिप, राइट, मेटल स्ट्रिप डिप इन इट्स ओन सॉल्यूशन, ओन सॉल्यूशन ऑफ ओन कॉन्सेंट्रेशन, डिप्स इन या इमर्ज इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन कॉन्सेंट्रेशन, लाइक सी यू इलेक्ट्रॉन इज इमर्ज इन सी यू एस ओ फोर, ऐसा लिखेंगे, ठीक है. एंड जेड एन इलेक्ट्रॉन इज इमर्ज इन जेड एन एस ओ फोर, ठीक है. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट, मेटल स्ट्रिप्स आर कनेक्टेड, मेटल स्ट्रिप्स आर एक दूसरे से कनेक्टेड, राइट. हम लोग बोलेंगे द मेटल स्ट्रिप्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ वायर, वायर एंड गैल्वेनोमीटर. तो हमारा देख रहा है कि दो मेटल स्ट्रिप किससे कनेक्टेड है, एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है, थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट. ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. उसके बाद टू कनेक्ट दिस टू हाफ सेल, ये जो हाफ सेल को कनेक्ट कौन कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, राइट. ऑब्वियसली सर्किट को कम्प्लीट करना जरूरी है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होगा, मगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा तो सर्किट कम्प्लीट नहीं होगी, और सर्किट कम्प्लीट नहीं होगी तो हमारी रिएक्शन नहीं होंगी, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन नहीं होंगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली रिएक्शन नहीं होंगी. तो हम लोग को सर्किट को कम्प्लीट करना जरूरी है. तो सर्किट को कम्प्लीट करने के लिए आयंस को यहाँ से यहाँ माइग्रेट होना जरूरी है, और आयंस का माइग्रेशन करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे. तो सॉल्ट ब्रिज जैसे मैं डालूंगा तो दो सेल क्या हो जाएगा, और दो सेल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस टू सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूज ऑफ या बाय मीन्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है. नेक्स्ट अगर आप लोग इसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे तो क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज होता क्या, तो सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, ये सॉल्ट ब्रिज का एग्जाम्पल दिया था मैंने, सॉल्ट ब्रिज वहाँ पर इसको यहाँ पर अलग से बनाया मैंने सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, मैं बोलूँगा क्या दिखा, अगर मैं इसके लिए एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो क्या बोलूँगा, इट इज़ अ यू शेप ट्यूब, राइट ना, इट इज़ अ यू शेप ट्यूब विच इज फिल्ड विद हॉट हॉट सैचुरेटेड के सी एल और एन एच फोर एन ओ थ्री सोल्यूशन, के सी एल यूज करते हैं या फिर एन एच फोर एन ओ थ्री सोल्यूशन लेते हैं, विथ अगार अगार जेल, विथ अगार अगार जेल, अगार अगार जेल के द्वारा, ताकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा जेली बन जाएगा, ताकि वो जब मैं उसको इन्वर्टेड करूँगा उल्टा करूँगा तो गिरेगा नहीं, राइट ना. तो अगार अगार जेल द्वारा हम लोग, और के सी एल सोल्यूशन क्या करेगा, हम लोग को आयंस के माइग्रेशन में हेल्प करेगा. तो के सी एल सोल्यूशन यूज कर सकते हैं या फिर एन एच फोर एन ओ थ्री सोल्यूशन यूज करते हैं. तो हम लोग उसको इसमें फिल करते हैं, ये मेरा ट्यूब है समझे, एग्जाम्पल मेरा यू बीच में बंद है और ये मुझे ट्यूब है, तो मैं ऐसा पकड़ूंगा ट्यूब को और ऐसा इसमें पोर करूंगा, कैसे सोल्यूशन यहाँ से फिल हो जाएगा, राइट ना. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉटन लगाएंगे, एक साइड कॉटन लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर कॉटन लगाएंगे, ग्लास वूल या कॉटन दोनों चल सकता है, तो ग्लास वूल या कॉटन यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाने के बाद दूसरी तरफ जो है अपना थोड़ा टिल्ट करके, उसको क्या कहते हैं, टिल्ट करके लगाते, क्यों टिल्ट करके लगाते, क्योंकि बबल्स ना आ जाए.
अगर बबल आएगा इसके अंदर तुम्हारे सॉल्ट बीच के अंदर बबल आया तो तुम्हारा आयन जो है माइग्रेशन नहीं होंगे और तुम्हारी रीडिंग सही नहीं आएंगी, रीडिंग आएगी नहीं। तो माइग्रेशन हमारे कंपल्सरी है, उसके लिए बबल नहीं आना चाहिए। तो ये फीलिंग बहुत मैटर करती है। तो बुल लगाया, ग्लास बुल क्यों लगाया? ग्लास बुल इसलिए लगाया ताकि मैं अगर पलटी तो उसको इन्वर्ट करूँगा, तो इन्वर्ट करने के बाद जो है वो नीचे से अगर जैगी भी है तो हो सकता है कि वो बहुत देर रखने के बाद नीचे से निकल जाएगा। तो ना निकले बोल के हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्लास बुल लगाएंगे ताकि वो निकलेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे कैप क्यों नहीं लगाया? कैप लगाएंगे तो फिर आयन से माइग्रेशन नहीं होगा। हाँ, ग्लास बुल और कॉटन से आयन माइग्रेट होती है, इसलिए ग्लास बुल। ठीक है, उसको हम लगाए यहाँ पर, वही पर बताया सॉल्ट ब्रिज के अंदर देखेंगे यू शेप वॉट, यू शेप ट्यूब फिल्ड विद वॉट हॉट केसीएल सैचुरेटेड केसीएल सॉल्यूशन एंड अगार जेल, राइट? अगार जेल इज यूज टू मेक सॉल्यूशन जेली, है ना? ये बोलेंगे एंड दिस इज दिस सॉल्ट ब्रिज इज वॉट क्लोज विथ वॉट बाई यूजिंग ग्लास वूल प्लग। ठीक है, ना फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज टाइप किस लिए यूज है? तो सॉल्ट ब्रिज जो है पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सेल, बताया मैंने दोनों सेल के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होगा, अगर मैंने इलेक्ट्रिकल यहाँ पे से यहाँ पे आयंस माइग्रेट होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट के लिए, तो यहाँ पर आयंस का माइग्रेशन में हेल्प करता है, राइट ना? आयंस को एक सेल से दूसरी सेल में जाने में हेल्प करता है। तो ये पहला पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू सेल। सेकेंड पॉइंट, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन को, मेरे को दो सॉल्यूशन के बीच में काम करना था, अब दो सॉल्यूशन को अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में डिप करके अगर करूंगा तो क्या होगा, मेरे को दो सॉल्यूशन एक ही बीकर में लेना पड़ेगा, तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा और मिक्स करूंगा तो वो गड़बड़ हो सकती है, मेरी रीडिंग नहीं आएगी। इसलिए हम लोग को दो अलग अलग सेल चाहिए। अब दो अलग अलग सेल चाहिए तो दो अलग अलग सेल को जुड़ना भी चाहिए, तो जुड़ने के लिए क्या सॉल्ट भी जुड़ भी गया और मिक्सिंग से भी रुक गया, राइट ना? मिक्सिंग चाहिए था, मतलब मिक्सिंग जो है हमारा, मिक्सिंग के जरिए हमारा काम नहीं बनता था, इसलिए हम लोग को क्या जरूरी है, मिक्सिंग से रोकने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। वही जो ऊपर बोला वही चीज़ ऊपर से बताया गया कि आयन जो है ट्रांसफर ऑफ आयन एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी बाय मेंटेन करता है, हम लोग आगे आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग जब इसका पढ़ेंगे, क्योंकि रेजिस्टर तो है नहीं प्लास्टिक रेजिस्टर में, हम लोग को था कि क्या क्या होता है। होता है क्या, यहाँ से कॉपर जो है, कॉपर इसको कॉपर है, जिंक जो है, जिंक अगर बात करेंगे तो जिंक जो है सोल्यूशन में, जिंक क्या है हाइड्रोजन प्लस टू के आयन में रहेगा, जिंक यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर के प्लस आयन, एक जिंक अगर डिपॉजिट होता है तो एक जिंक पे जगह पर दो के प्लस आयन जाके लगा लेते हैं, मतलब जेड एन प्लस टू, अगर एक जेड एन प्लस टू अगर हमारा क्या है जाता है किसके अंदर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे जाता है, तो एक जिंक मतलब प्लस टू चार्ज है, तो दो चार्ज यहाँ पर कम होगा, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपने पास से क्या करता है, दो के प्लस आयन दे देता है। तो इस तरह से वहाँ पर जो चार्ज की कमी हुई थी वो चार्ज की कमी आएगी, फुलफिल हो जाएगी, और फुलफिल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, अभी भी वो सेल क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस तरह से वो सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करने में भी हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग द आयंस, राइट ना? जो आयंस कम हुए वो आयंस को प्रोवाइड करता है, समझा हम लोगों, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग का सॉल्ट ब्रिज हो गया और गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर दी हमने। एग्जाम में अगर आएगा डैनियल सेल, तो डैनियल सेल जो है हम लोग क्या करेंगे, डैनियल सेल को क्या करेंगे, लिखने का कोशिश करेंगे, राइट? डैनियल सेल जो है हम लोग क्या करेंगे, डैनियल सेल लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, यही पॉइंट, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल बुक में टेक्स्ट बुक दिया नहीं है, तो मैं कहता आएगा नहीं, बट अगर इनकेस आया भी, क्योंकि लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आया भी तो हम लोग, मैंने नहीं पढ़ाया ऐसा नहीं है, अगर नहीं पढ़ाया तो भी तो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यही पार्ट पूरा लिख देंगे। और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या बोला, टू सोल्यूशन की जगह बोलेंगे वन सोल्यूशन, किसका है, सी यू एस ओ फोर का, दूसरा सोल्यूशन क्या है, जेड एन एस ओ फोर का। टू इलेक्ट्रॉन बोला, टू इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का नाम बोल देंगे कि कॉपर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का नाम बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से हम लोग जगह जगह मेंशन करते जाएंगे, बस चीज़ों को मेंशन कर दो, बस बाकी सब एकदम लिख दिए, बाकी कुछ भी हम लोग को एडिशनल बताने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा के बाद यही कॉपी करना है। और उसमें लास्ट में हम लोग क्या करेंगे,
थोड़ा सा एडिशनल है कि हम लोग को सेल सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन लिखना रहेगा, और सेल रिप्रेजेंटेशन सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग मैं इसके बाद बताऊंगा, तो उसका यूज करके हम लोग डेनियल सेल में भी डाल सकते हैं। मैंने अगेन बोल दिया कि ये डेनियल सेल के टॉपिक में बार बार बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लास्ट ईयर था बट इस साल के बुक में उसको हटा दिया गया है, अगर आया तो हम लोग डालेंगे वरना जरूरत नहीं है, हम लोग को पहले भी गैलरी सेल के नोट आएंगे तो हम लोग इतना ही लिखना है, दिस मच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, इतना ही दिया होगा, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट कि आएगा तो क्या करूँगा, अगर आया इन केस ऐसा हुआ तो भी हम लोग को लिखने आना चाहिए, तो बता दो वरना आएगा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है, ओके राइट इट डाउन। हम लोग इसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, देखिए तो जो मैंने आप लोग को बताया अभी थोड़ा सा मिस्टेक हुई मेरे से, तो उसको करेक्शन करो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई हमारी कि यहाँ पर एनोड जो है वो कॉपर नहीं होता, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था पढ़ाते वक्त, आप देखे होंगे यहाँ पर एनोड जो है वो जिंक रहेगा और सोल्यूशन भी यहाँ पर क्या आएगा जेड एन एसओ4 हो जाएगा राइट, एंड कैथोड क्या हो जाएगा कॉपर रहेगा, कैथोड क्या रहेगा हमारा कॉपर रहेगा और यहाँ पर सोल्यूशन क्या रहेगा CuSO4, ठीक है ये याद रखना। क्यों यहाँ पर इतना एनोड जिंक लिया, इसका भी रीज़न है, ऐसा नहीं है कि वो रीज़न नहीं है, जिंक ज़्यादा उसका अगर हम लोग देखेंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, हम लोग ने पढ़ा है एनॉक्स मतलब क्या होगा, एनॉड का ऑक्सीडेशन होता है, तो एनॉड का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर मेटल कौन सा होना चाहिए वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करे राइट ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से क्या होगा हमारा जिंक जो है जिंक इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए मैंने वहां पर यूज किया, क्लियर, हम लोग को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है एनॉड पे, तो वही इसलिए जिंक को यूज किया, कॉपर वहां पर उसका रहेगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एज अ रिडक्शन सेल, वहां पर रिडक्शन होगा यहाँ पे।